आप एक बार इस तरह से करेले की सब्जी जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। सिंपल तरीके से इसे हमने बनाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा, कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करेले की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने करेला लिए है। इसका एंड पार्ट हम कट कर देंगे और छील लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसका छिलका निकाल लेना है। देखिए बस इसी तरह से सारा करेला हमने छील लिए है। अब इसे हम कट करेंगे। भी अगर कड़क रहेगा तो निकाल लेंगे, नरम रहेगा तो उसे रहने देंगे। सारे करेले का हमने भी निकाल लिए हैं, अब इसे हम कट करेंगे। मैं यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। करेला देखिए हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिए है। अब इसे अच्छे से हम 3 से 4 पानी वॉश कर लेंगे। करेले को हमने अच्छे से धो लिए हैं। चलिए अब इसकी सब्जी बनाते हैं। यहाँ पर हमने 2 चम्मच तेल रखे गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमने 2 बड़ी साइज़ का प्याज लिए है, जिसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हम तेल में भून लेंगे। प्याज देखिए सॉफ्ट हो चुका है, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सॉफ्ट हुआ है। इसी वक्त इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्च डाल देना है काट कर। फिर इसमें कटे हुए करेला डाल देंगे, मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट करेले को तेज आंच पर इसी तरह प्याज के साथ में हम पकने देंगे। 4 मिनट हमने करेले को तेल में प्याज के साथ में पका लिए हैं। अब आंच को हम धीमा करेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिए है, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, सिर्फ कलर के लिए यूज़ किया गया है, 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पर हमने गरम मसाला लिए है, 1/2 चम्मच स्वादानुसार नमक लेना है। सारे मसाले को हम मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए मसाले के साथ में करेले को हम भून लेंगे। मसाला देखिए अच्छे से भुना गया है। यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए, बड़े साइज़ का टमाटर है जिसे हमने छोटे टुकड़ों में कट किए हैं। टमाटर का सारा भी हमने निकाल लिए हैं, मिक्स कर लेना है। अब इसे हम ढक देंगे, ढक कर 6 से 7 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पर, और बीच बीच में इसे हम चेक भी करते रहेंगे। करेला पूरी तरह से पक जाए तब तक हमें करेले को पकाना है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए। 6 से 7 मिनट हमने करेले को पका लिए हैं। करेला चेक करते हैं, देखिए पूरी तरह से नरम हो गया है, करेला पक चुका है। अब इसमें और अच्छा टेस्ट आए, स्वाद करेले का और बढ़ जाए, इसलिए यहाँ पर हम अमचूर पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच यहाँ पर हमने अमचूर पाउडर डाले हैं, मिक्स कर लेंगे। सुपर टेस्टी करेले की सब्जी बनकर तैयार हुई है, झटपट बनती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको याद दिला दूँ, आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी मज़ेदार नई नई आने वाली रेसिपी के लिए इसे आप गर्मा गर्म रोटी पराठा फुल्का के साथ परोसिए, इंजॉय करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।